हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मेरा आलू कद्दू का सब्जी अभी बन रहा है। अब मैं जा रही हूँ आटा गूंथने, और आज हमको निकलना है मार्केट, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, तभी हम जल्दी से काम कर लेते हैं। सैम को भी दिखाते हैं आप लोग को, सैम क्या कर रहा है। सैम भी जग गया है, अब उसको भी मैं रेडी करूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोग से। अभी मैं सैम को नहाने के लिए यहाँ पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने लगा है। सुबह में हल्का सा ठंडा लगता है, तो यहाँ सैम आ गया है नहा के। मैं इसको जल्दी से रेडी कर दे रही हूँ। रेडी करने के बाद मुझे बस रोटी बनाना है, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके निकलेंगे। तो अभी सैम को पहले रेडी कर लेते हैं, इसको पहना रहा है ड्रेस। और सैम अभी थोड़ा पतला हो गया है, जब से तबीयत इसका ख़राब हुआ है तो पतला हो गया है। तो बर्थडे के टाइम में ठीक लग रहा था, तो सारा ही ड्रेस इसमें लूज आ रहा है। सैम को रेडी करने के बाद यहाँ मेरे को बोल रहा था ड्रेस चेंज करने के लिए, ये कंफर्टेबल नहीं है इस ड्रेस में, तो मैं इसको दूसरा टी शर्ट पहना रही हूँ। यहाँ पर सैम का ओट्स भी रेडी होने लगा है। अब थोड़ा सा ओट्स बनाए, क्योंकि सुबह का टाइम है, इतना जल्दी वो खाता नहीं है, तो थोड़ा ही बनाए हैं। और इस डब्बे में मैं स्टोर करके रख रही हूँ, क्योंकि किचन में रखती हूँ तो डब्बे में ख़त्म हो गया था ओट्स। बाद बाकी जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ, कीड़े लगने की वजह से नहीं रखती हूँ बाहर, क्योंकि बरसात का टाइम है तो थोड़ा कीड़ा लग जाता है। तो फाइनली अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। कितना भी जल्दी जल्दी करते भी टाइम हो गया है, 10 बज गया है, तो अभी निकले। और क्या था कि सैम खाया नहीं है, तो मैं उसके लिए टिफ़िन पैक कर ली हूँ। रोटी था तो उसको घी लगा कर रख लिए हैं, क्योंकि सैम सुबह सुबह मुझे पता था कि वो खाएगा नहीं, तो नहीं खाया था। अभी उसको रास्ते में खिला देंगे। और अभी हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं, और यही हम लोग का मेन मार्केट है। थोड़ा हम लोगों को घर से दूर है, बट यही हम लोग का मेन मार्केट है। तो यहाँ जो है ये बनियान और लुंगी का दुकान था, जहाँ हम लोग को लेना था पापा के लिए, तो हम लोग यहाँ ले रहे थे। और लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं साड़ी के शॉप पर, जहाँ हमको साड़ी लेना है, तो 2-3 साड़ी लेना है, तो वहाँ अभी हम जा रहे हैं। तो जिस दुकान पे हम साड़ी लेते हैं, वहाँ पे हम लोग को जाने के बाद पता चला, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम गए थे, तो जाने के बाद पता चला कि वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया है। तो वहाँ पे ये रिक्शा लगा हुआ था, उन्हीं का मतलब रिक्शा था जो निशुल्क मतलब सेवा दे रहा था। तो अभी हम पहुँच गए हैं डालमिया बाज़ार, और यहीं से मैं साड़ी ख़रीदती हूँ। जब भी मैं आती हूँ तो यहीं से ख़रीदती हूँ। तो यही डालमिया बाज़ार हम लोग का साड़ी का शॉप है। तो यहाँ पर बड़ा कर दिए हैं रिटेलर में, और वहाँ जो पुराना वाला इनका ब्रांच है, वहाँ पर इनका होलसेल चलने लगा, तो इसलिए अब हम लोग को यहाँ आना पड़ा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा कैसा कलेक्शन है, क्योंकि फर्स्ट बार मैं यहाँ आई हूँ। आने के बाद मुझे पता चला यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आया है, वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ मिलने लगा। तो अभी हम लोग का शॉपिंग हो गया है ख़त्म, मुझे साड़ी लेना था तो साड़ी ले लिए हैं। मैं घर चल के दिखाऊँगी आप लोग। सैम को खाना था आइसक्रीम, तो इसके पापा भी इसको आइसक्रीम ला करके दिए हैं, तो ये खा रहा है। इसका फेवरेट है आइसक्रीम और केक। घर से ही बोल के आया था कि मुझे दो चीज़ खाना है, तो केक जो है थोड़ी देर में देंगे इसको। तो अभी हम आ गए हैं घर पे, और सैम का ड्रेस चेंज कर दें, इसको खाना भी खिला दें, तभी मैं साड़ी दिखा रही हूँ। तो यही येलो कलर का जो मैं साड़ी ली हूँ, बहुत मुझे पसंद आया है, क्योंकि न्यू कलेक्शन आया था, तो अच्छा अच्छा साड़ी मुझे तुरंत में ही मिल गया, तो 2 साड़ी यही ख़रीदे हैं। और अभी जो है सैम जा रहा है मंजू को एक साड़ी देने, क्योंकि दिवाली गिफ्ट हम हर साल मंजू को देते हैं। तो मैं जा रही थी देने, तो सैम मेरे से ले लिया, और देखिए मंजू को खुद से जा रहा है देने के लिए। अभी जो है जम के दिया निकालने के लिए ली कर दिए हैं। तो दिया जो है ये पुराना दिया है, क्योंकि पुराना दिया में हमारे यहाँ जलाया जाता है। अगर आपके यहाँ नया दिया में जलाया जाता है, तो आप नया दिया में जलाइएगा, तो हमारे यहाँ पुराना दिया। और गैस ये ना मेरे को छोटा दिया मिला हुआ है, क्योंकि पुराना दिया मेरे पास बड़ा नहीं था, नहीं तो बड़ा रहता तो मैं बड़ा में जलाती थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के। हमारे यहाँ धनतेरस के दिन ही यम का दिया निकलता है, और कहीं कहीं दिवाली के एक दिन पहले निकलता है। तो आपके यहाँ का क्या नियम है, और क्या है कि इसमें सरसों तेल में आपको जलाना है, और ये कॉटन कपड़ा का मैं बत्ती बनाई हूँ, जिसका मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मैं इस कॉटन कपड़ा का बनाई हूँ, क्योंकि रुई का बत्ती नहीं बनाया जाता है। तो जैसा मेरे घर का नियम है मैं वैसा कर रही हूँ।
अगर आपके यहाँ का क्या नियम है तो आप उस हिसाब से जम कर दिया, बट आप जम कर दिया कहीं भी हो तो जलाइए, किराए के घर में हो या अपना घर में हो तो जम कर दिया ज़रूर निकालना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले दरवाज़ा के बाहर थोड़ा सा अक्षत रख के और उसके ऊपर ऐसे दिया जला कर रख देना है, और फिर जो है आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि दिया जल रहा है कि बुझ गया, आप रख दी उसके बाद आप आ जाइए अंदर और इसको रख दीजिए गेट पे। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिए, और जो लोग भी नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।